ओके जी, वैल्यू चेन। वैल्यू चेन पहले जी बात करते हैं, वैल्यू क्या होती है। फीचर, वो फीचर जिसके लिए कोई भी कस्टमर जो है वो प्राइस पे करने के लिए विलिंग होता है। ठीक है, लेट से मैंने नोट 10 देखा। अब नोट 10 में क्या है जी, एस पेन ब्लूटूथ से भी चल रहा होता है, दूर करो तस्वीरें वो इधर उधर हो रही होती हैं। मेरे पास एस पेन है, मैं मोबाइल से पेन से लिख सकता हूँ, और कैमरा और बहुत सारे फीचर्स जिसकी वजह से मैं भाई प्राइस पे करने के लिए विलिंग हूँ। वो क्या है, वो वैल्यू है। और वैल्यू एक्टिविटी क्या है, वो एक्टिविटी जो कि एक प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड करती है। ठीक है, और वैल्यू चेन क्या है, वो इंटायर चेन जो कि कलेक्टिवली एक प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड करती है। वो क्या है जी, वो वैल्यू चेन है। अब आइए जरा ये डायग्राम देखते। ठीक है, ये कुछ हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज होती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स मार्केट एंड सेल्स, आफ्टर सेल सर्विसेज। सपोर्ट एक्टिविटीज में जी फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी और प्रोक्यूरमेंट। यानी कि मेन एक्टिविटीज हमारी ये आ गई, और ये जी हमारी सपोर्टिंग एक्टिविटीज, दोनों ही अहम होती हैं। अब इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स क्या है, लेट्स से फिजिकल ट्रांसपोर्टेशन, रॉ मटेरियल की सप्लायर्स से आप अपने पास लेकर आना, वेयर हाउस में प्रीमाइसेस को रखना, आईटी सिस्टम्स जैसे कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, जस्ट इन टाइम कॉन्सेप्ट, यह है इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। अब इनबाउंड लॉजिस्टिक्स की आपको एक एग्जांपल दें तो भाई इन्वेंट्री आपने रखनी किस तरह है। जैसे कि लेटेस्ट आप जाए मल्टीफॉर्म बोलो कि तो जो मशीनरी आएगी, ये उसमें एक मैट्रेस रखा, उसके ऊपर यूं सेटअप करते चले गए। अब उसने इन्वेंट्री निकालनी है तो इस तरह निकालेगा, बाकी डिस्टर्ब भी नहीं होंगी। इस तरह निकाल रहा होगा, ये निकाली बाकी वहीं की वहीं अपनी जगह पे होंगी। इस ये सेटअप वगैरह क्या है भाई, इनबाउंड लॉजिस्टिक आपका कितना इफेक्टिव है। ऑपरेशंस के भाई, आप अपने रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में किस तरह कन्वर्ट कर रहे हैं, पैकेजिंग, उसकी टेस्टिंग वगैरह, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, रोबोटिक्स आप उसमें अंदर यूज कर रहे हैं या मैनुअल कर रहे हैं, ये सारा ऑपरेशंस में आ जाता है मामला। ठीक है, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स क्या है जी, कि आपकी जो फिनिश गुड्स हैं वो कस्टमर्स तक किस तरह पहुंच रही हैं, फाइनल कंज्यूमर तक किस तरह पहुंच रही हैं। अब उसका ऑर्डरिंग प्रोसेसर क्या क्या, वो फोन पे प्रोसेस हो रहा है ऑर्डर, या वेबसाइट पे हो रहा है, या जी फिजिकली आप जाके कर रहे हैं, ये पूरा जो प्रोसेस है ये किस आ जाता है, ये आ जाता है आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। मार्केटिंग एंड सेल्स, आपने अपनी प्रोडक्ट की डिमांड किस तरह क्रिएट करनी। ठीक है, मार्केटिंग सिंपली अगर क्या है भाई बोले तो गंजे को कंघी बेचना। ठीक है, तो इसके अंदर हम मार्केटिंग हम लोग किस तरह कर सकते हैं, हमारी ई मार्केटिंग हो सकती है जैसे कि फेसबुक के थ्रू, लिंक्डइन के थ्रू, गूगल एड्स के थ्रू वगैरह वगैरह, या फिर आपने जी बैनर्स वगैरह लगवाने हैं, ये सारी चीजें। आफ्टर सेल सर्विसेज हमारी क्या आ जाती हैं, रिपेयर्स, वारंटीज, गारंटीज वगैरह। प्रोक्यूरमेंट में क्या आ जाता है, परचेजिंग एक्टिविटीज, के भाई हम लोग कोटेशन इन्वाइट कर रहे हैं सप्लायर से, वेंडर से इवेल्युएट कर रहे हैं, उनसे नेगोशिएट कर रहे हैं, ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी में, कि भाई सारे बिजनेस के एरियाज में टेक्नोलॉजी का कितना यूजेज है, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर्स, R&D सॉफ्टवेयर्स वगैरह ये वो, और ह्यूमन HR, ह्यूमन रिसोर्सेज में जी फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर राइट जॉब। ठीक है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, उनकी ट्रेनिंग, उनकी डेवलपमेंट, ई अटेंडेंस, ई ट्रेनिंग, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके अंदर क्या चीजें आ गई, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर। ठीक है, कितने डिपार्टमेंट्स हैं, सेफ्टी सिक्योरिटी कैसी है, हेल्थ एंड लीगल की क्या प्रोसीजर्स हैं, ऑडिट का क्या प्रोसीजर्स है, फाइनेंस कहाँ से आएगा, ये सारी चीज़। अब वैल्यू चेन मॉडल हमने जब यूज करेंगे एग्जाम में तो भाई एक स्ट्रक्चर एनालिसिस करना होता है वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट का। ठीक है, इससे किस तरह हम लोग यूनिक मैनर में लेके चल रहे हैं, प्रोडक्शन सेल सपोर्ट का क्या इशू जा रहा है, आउटसोर्स तो नहीं कर रहे आप कोई चीज किसी भी डिपार्टमेंट को, ये सारी चीजें आपने इसके अंदर देखनी है। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वैल्यू चेन की अगर हम लोग बात करें तो
फ्लो ऑफ मटेरियल्स, क्योंकि सप्लायर से ऑर्गेनाइजेशन किस तरह आ रहा है, जिसके अंदर परचेजिंग, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स और ऑपरेशंस आ जाते हैं, ठीक है। वैल्यू नेटवर्क इसके अंदर क्या आ जाता है, ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू चेन, कस्टमर तक किस तरह जा रही है, रेस्टोरेंट क्वालिटी कैसी है, इंग्रेडिएंट्स कैसे हैं, शेफ डिपेंडेंट है फॉर्मर पे, ये क्या इस तरह की चीजें, ठीक है। सो आई होप ये क्लियर है, सी इन द नेक्स्ट सेशन।